आगरा के अदमातपुर में हिंदूवादियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिल्ली में हुई हिंदूवादी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की और रिंकू के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी दिलाने की मांग की। दिल्ली के मंगोलपुरी में हिंदूवादी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा हत्याकांड और तूल पकड़ता चला जा रहा है। उसी क्रम में हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर देश में हर तहसील मुख्यालय पर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आगरा के अदमतपुर तहसील स्तर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के एक दर्जन भर कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष के लोगों द्वारा हिंदू समुदाय के युवकों को लगातार हमले और हत्या की जा रही है। उनका कहना था कि श्री राम जन्मभूमि पर बनने जा रहे श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के लिए चंदा इकट्ठा करने तथा जय श्री राम नारा लगाने के विरोध में समुदाय विशेष के युवकों ने घर में घुसकर रिंकू शर्मा की हत्या कर दी थी, तो वहीं दिल्ली पुलिस इस मामले की आपसी विवाद बताकर टालना चाहती है, जिससे हिंदूवादी लोगों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर हिंदूवादी युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किस मामले को लेकर रिंकू शर्मा की हत्या की गई है, देशद्रोहियों द्वारा, मुसलमानों द्वारा, याताताइयों द्वारा जो हत्या की गई है उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो तो आपसी मामला था, लेन देन का विवाद था, उसका हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस तो मामले घुमा रही है, क्योंकि ये जो सेकुलर का चोला ओढ़े हुए हैं जो नेता और ये अभिनेता, सारे कोई नहीं बोलेगा आज। अच्छा, एक चीज़ और देखा जा रहा है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, जब अखलाक की हत्या होती है केजरीवाल वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन रिंकू शर्मा की हत्या हुआ तीसरे दिन है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा। रिंकू शर्मा तो हिंदू है ना, हिंदू के पास क्यों जाएंगे वो? मुसलमान उनके जो है माननीय है, पूजनीय है, उनके यहाँ पे जाएंगे? हिंदू के पास क्यों जाएंगे? राहुल जी हैं और आपके ये प्रियंका गांधी हैं, ये क्यों जाएंगे? मांग क्या है आपकी फिर? आज मांग ये है कि इसके परिवार को 1 करोड़ की जो आर्थिक सहायता दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो आताताई हैं इनके ऊपर जो है सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। अनुज ठाकुर, जिला संयोजक बजरंग दल। आज किस मामले को लेकर आया है? आज संपूर्ण भारतवर्ष में बजरंग दल के द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर एवं कलेक्ट्रियों में 10 फरवरी को रिंकू शर्मा जी, जो दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और जो कि हिंदू थे, उनकी मुसलमानों के द्वारा निर्मम जो हत्या कर दी गई है घर में घुसकर, उसके विरोध में आज संपूर्ण भारतवर्ष में हमने ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि उनके हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, बाकी उनके घर वालों को आर्थिक सहयोग दिया जाए, घर में परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया एवं सरकारी नौकरी दी जाए और जो भी हिंदूवादी कार्यकर्ता मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रहते हैं उनको लाइसेंस कराने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाए। ऐसा क्या कहना है आपका कि लगातार कई लोगों की हत्या हुई? हमने कई जगह देखा है, मीडिया के द्वारा देखा, सभी को पता है, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आगरा हो, कानपुर हो, हर जगह हिंदुओं की हत्या पूर्व में की गई है और हिंदू समाज इसके बाद भी जागरूक नहीं है और अन्य समुदाय समय समय पर आघात करता जा रहा है मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हमारी राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि इन पर तुरंत कार्रवाई करी जाए। दिल्ली पुलिस की मांग पर जो वो जांच है उसमें तुरंत कुछ निकल के आया है? दिल्ली पुलिस की जांच पुलिस करेगी, मगर वो लोग अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रपति महोदय से यही मांग है कि जांच को CBI को दे या फिर सही जांच करके हत्यारों को उनकी फांसी की सजा दी जाए। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत, टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।